इससे पहले वो त्रिमूर्ति स्टॉक्स बता के गए थे, अब रीबैलेंसिंग के बारे में बता रहे हैं, कुछ हो रहा है रीबैलेंसिंग। शरद बताइए किस में हो रहा है, इंडियन निफ्टी में हो रहा है क्या? जी बिल्कुल, निफ्टी क्वार्टरली इंडेसेस की जो है रीबैलेंसिंग देखने मिल रही है। और हालांकि जब पैसिव फंड्स जो ट्रैक करते हैं वहाँ पे आपके पीएसई इंडेक्स होते हैं, निफ्टी इंडेक्स होते हैं और ऑफकोर्स निफ्टी बैंक इंडेक्स होते हैं, तो यहाँ पे जो है चार अहम स्टॉक्स है जिसमें मैं फोकस करने वाला हूँ। लेकिन एक चीज़ दर्शकों को बता दें कि जब डॉलर इन्फ्लोज आता है तो यहाँ पे वेटेज जो है बढ़ जाती है। और एडलवाइस की रिपोर्ट कह रही है कि जो चार अहम स्टॉक्स है जिन्हें हम फोकस पर रखेंगे, सबसे पहला रहेगा ONGC। ये सिर्फ वही एकमात्र स्टॉक है जो आपके पीएसई इंडेक्स में जो है एक डॉलर इन्फ्लो आ रहा है, वेट इसमें बढ़ोतरी हो रही है और ऑलमोस्ट $77 मिलियन का इन्फ्लो रहेगा। दूसरा स्टॉक रहेगा सिप्ला, हालांकि इसमें मेजर वेट चेंज देखने मिल रहा है उनके निफ्टी इंडेक्स में और इसमें इन्फ्लो लगभग $8 मिलियन का रहने वाला है। और याद रखिए तीसरा स्टॉक रहेगा एक्सिस बैंक, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इन्फ्लो निफ्टी बैंक इंडेक्स के हिसाब से एडजस्टमेंट में देख सकते हैं, लगभग $43 मिलियन का। और चौथा स्टॉक NTPC मेरे रडार में है, जहाँ पे सबसे बड़ी आउटफ्लो CPSE इंडेक्स में लगभग $36 मिलियन का देखने मिलेगा। अब याद रखिए जो सेशन के जो एंडिंग के हाफ एन आवर ट्रेड रहेंगे उस पर इन स्टॉक्स पे वॉलिटिलिटी रहेगी, तो उस समय जो है इन स्टॉक्स को फोकस पे रहेगा। और आज का दिन जो है एडजस्टमेंट होगा और कल से ये जो एडजस्टमेंट है लागू होने वाले हैं जो June 30th को रहेगा। ठीक है, ऑलराइट, बिल्कुल एब्सोल्युटली शुक्रिया ये सारे स्टॉक्स बताने के लिए, ये सारा अपडेट हमसे शेयर करने के लिए शरद। एक बार कुछ और